दोस्तों कुछ दिनों से आप मीरा रोड के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। दोस्तों ये जो मीरा रोड है ये मुंबई में है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा दुखी की बात है कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उससे कुछ समय पहले ही ये कम्युनल वायलेंस देखने को गए हैं हमारे देश में। इसको देखते हुए बहुत से आर्टिकल निकले हैं, जैसे दोस्तों ये देख सकते हैं आर्टिकल NDTV का, टू ग्रुप्स क्लैश इन मुंबई मीरा रोड ड्यूरिंग राम टेम्पल रैली 13 अरेस्टेड। यानी दो ग्रुपों के बीच में क्लैश हुआ था मुंबई के मीरा रोड में राम टेम्पल की जब रैली निकाली गई थी और 13 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। दोस्तों सीनियर IPS ऑफिसर के मुताबिक जो ये कम्युनल इंसिडेंट हुआ था ये मीरा रोड, पनवेल और नागपुर में देखा गया है। इस इंसिडेंट में एक आदमी को बहुत ज्यादा चोट लगी है और बाकी को छोटी मोटी इंजरी हुई है। दोस्तों पुलिस के अकॉर्डिंग दो इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए थे मीरा रोड से, एक संडे की रात को और एक सुबह मंडे की शाम को। दोस्तों दो FIR भी रजिस्टर किए गए हैं जो कि हो सकता है कि लोगों ने करवाया होगा। और वी स्टॉप रैलीज ऑफ हिंदूज फ्रॉम एंटरिंग लेन्स एंड एरियाज वेयर मुस्लिम पॉपुलेशन इज, हाउ टू प्रिवेंट एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट, सेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। यानी दोस्तों सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यह कहा कि कोई भी हिंदू को जहां पर मेजॉरिटी एरिया मुसलमान का है वहां पर जाने से उनको रोका गया ताकि ये जो इंसिडेंट है और आगे ना हो सके। दोस्तों पुलिस ने यह भी कहा कि संडे को 11 PM के अराउंड कुछ व्हीकल्स जिसमें सैफ्रन फ्लैग्स लगा हुआ था और वो जय श्री राम का नारा लगा करके मीरा रोड से जा रहे थे तो कुछ लोकल लोगों ने उन पर अटैक कर दिया और उनके गाड़ी शीशों को भी फोड़ दिया। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।